और व्यूअर्स, कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी के पेज पे आप लोग खुशामदीद कहते हैं। और डायरेक्टली तो सूरज ग्रहण को नहीं देख सकते, लेकिन एक वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है। कैमरा इसको पूरी तरीके से कवर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक ग्लिम्स दिखाने की कोशिश की है। देखें, परिंदे अपने घरों को लौट रहे हैं, और क्योंकि ये थोड़ा सा मगरिब जैसा टाइम हो जाएगा, इसलिए परिंदों को भी जो है वो इस फिनोमेना का इतना नहीं पता, जाहिर सी बात है। और क्योंकि अशरफुल मखलूकात तो इंसान ही है, और बहरहाल कवरेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये परिंदे भी थोड़ा सा देखें घबरा रहे हैं, आसमानों पे दिख रहे हैं आपको। और राइट नाउ ये आप देख सकते हैं सूरज ग्रहण को स्पेशल एक्सरे की मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक को मैं एडवाइस नहीं करूँगा वो देखे। अच्छा, तो 50% कवर हो गया और 50% कवर हो चुका है बिल्कुल, मैंने खुद भी अपनी आँखों से देखा है ये। और आप लोग इसके अंदर जो है वो दुआ भी करें, इस्तगफार भी करें। और दूसरा है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, तो इसको स्पेशल ग्लासेस अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल इसको आप लोग कोशिश करेंगे इसको इंस्पेक्ट कर सकें, व्यू कर सकें। डायरेक्ट आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, रेटिना कट जल जाएगा, रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और हमारे पेज पे आपने कवरेज देखी होगी, मैंने रात में भी स्लाइड शो लगाया था, उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें लिखी थी कि आपने कितनी परसेंटेज दिखेगी किन एरियाज़ में, और उसको भी देखिएगा। और हमारी इस वीडियो को जो भी बाद में हम लोग पोस्ट करेंगे उसको भी शेयर, कमेंट और लाइक करिएगा। और बाकी फिर हमारा एक और पेज है हमें पाकिस्तान, उस पर भी आप लोगों को कवरेज दिखेगी। और एक और पेज हमारा कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी, दोनों पेजेस पे आप लोगों को लाइव ट्रांसमिशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद हम लोग जो शूट डालेंगे वो आप लोग लाजमी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।